हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेन टूल्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कोविड-19 के समय में आप सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे और अपने प्रियजनों के साथ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग ट्रिक लेकर के आया हूं। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब भी मोबाइल खरीदते हैं तो देखते हैं कि कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिनका हमको यूज नहीं होता है, लेकिन मोबाइल की कंपनी के द्वारा वो प्री इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और हम उसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सिस्टम के एप्लीकेशन होते हैं। और यदि इंटरनेट पे सर्च मारा जाए तो पता चलता है कि मोबाइल को रूट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बिना रूट किए हुए नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, और यदि रूट कर देंगे तो आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और साथ ही साथ रूट करने में एक और दिक्कत ये है कि उसके लिए आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी और लैपटॉप जो है इजीली सबके पास अवेलेबल होता नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी टेक्निक लेकर के आया हूँ कि बिना लैपटॉप का यूज किए हुए, बिना सिस्टम को रूट किए हुए आप उन सारे ऐप्स को हटा सकते हैं और वापस जब चाहे तब आप उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हट गया, कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप उसको वापस नहीं ला सकते, वापस भी ला सकते हैं और वो भी बिना लैपटॉप का यूज किए हुए। दोस्तों, इसके लिए बस दो मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, एक मोबाइल जिसका आपको ऐप हटाना है और दूसरा मोबाइल जिससे आप वो टेक्निक यूज करेंगे, और बीच में एक होगी यूएसबी केबल और साथ ही साथ एक ओटीजी आपके लिए होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जब मैं बोल रहा था तो यहाँ पे फ्लैश हो रही थी, तो आपने ध्यान नहीं दिया तो एक बार और देख लीजिए। ये रहा ओटीजी, उसके बाद ये रहा डाटा केबल और ये रहा आपका वो मोबाइल, कोई भी ऑर्डिनरी मोबाइल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम ऐसे करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के आता हूं और आपसे वो मिस हो जाएंगी, तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आएगी और आपको लगेगा कि इस वीडियो से आपको कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ है तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिएगा कि वो इस वीडियो को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये रहा आपका डाटा केबल, जो आप जनरली चार्जिंग वगैरह में यूज करते हैं वही डाटा केबल आपको यूज करना है, आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों, ये रहा ओटीजी, ओटीजी दिखाई दे रहा है, इस तरह का ओटीजी होता है और ये 30-40 रुपए में आसानी से मिल जाता है। देखिए, इसमें दो तरह का ओटीजी होता है, एक टाइप सी वाला होता है और एक क्या होता है, माइक्रो यूएसबी वाला होता है। तो आप जिस मोबाइल से आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, जिसमें से नहीं करना है, जिसका यूज करके आपको करना है, उस मोबाइल का देख लीजिएगा किस टाइप का पोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप ये खरीद लीजिएगा। मेरा टाइप सी है, इसे मैं टाइप सी खरीद लिया हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस ओटीजी में जो डाटा केबल होता है, डाटा केबल का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को ओटीजी में लगाना है और ये जब ये कनेक्शन बन जाएगा तो इस कनेक्शन को उस वाले मोबाइल में डालना है जिसका यूज करके हटाना है, जिस मोबाइल का ऐप हटाना है उसमें नहीं डालना है। तो सपोज दैट हम इस वाले मोबाइल का यूज करके दूसरे वाले मोबाइल का ऐप हटाएंगे तो ये ओटीजी वाला है इस वाले मोबाइल में डाल देंगे, सिंपली ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे कनेक्ट हो जाने के बाद अब क्या करना है, इसका जो दूसरा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्ट आपको उस मोबाइल में डालना है जिसका आपको ऐप हटाना है। तो ये वाला जो है, ये दिखाई दे रहा है, ये ऐप इस मोबाइल में आपको हटाना है। ठीक है, क्लियर है? और जैसे ही आप इस मोबाइल को ऐसे डालेंगे तो इस पे एक प्रॉम्प्ट करके आएगा कि ओके करना है। ठीक है, तो आप उसको सिंपली टैप करके ओके कर देंगे। इसमें पूछेगा कि यूएसबी डिबगिंग को अलाउ करना है कि नहीं करना है, इस वाले मोबाइल में पूछेगा कि यूएसबी डिबगिंग को अलाउ करना है कि नहीं करना है स्क्रीन पे, तो आप उसको टिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, इतना प्रोसेस हो गया है। यानी कि ये देखिए, ये ओटीजी वाला वो मोबाइल है जिस मोबाइल का यूज करना है इस वाले प्रोसेस के लिए, और ये वो वाला मोबाइल है जिसमें ओटीजी नहीं लगा है, इसी का ऐप जो है प्री इंस्टॉल ऐप हटाना है। ठीक है, तो आइए बाकी प्रोसेस के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों, ये वो मोबाइल है जिसका मुझे ये गैलरी वाला एप्लीकेशन जो है उसको अनइंस्टॉल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेनू में चले जाते हैं और ये गैलरी वाला एप्लीकेशन जो दिखाई आपको दे रहा है इसको टैप करके ऐप इन्फो में जाते हैं। और आपको ऐप इन्फो में दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप देख ले कि ये जो है सिस्टम का एप्लीकेशन है। देखिए, यहाँ पे अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन जो है वो जो है नहीं दे रहा है। देख लीजिए, डिसेबल का ऑप्शन दे रहा है, फोर्स स्टॉप का दे रहा है, अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि इसको क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है। ठीक है, अनइंस्टॉल करना है तो देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, अनइंस्टॉल करने के लिए इस गैलरी वाले जो पैकेज का है वहाँ पे पैकेज का नाम दिखाएगा। ठीक है, पैकेज का वहाँ नाम दिखाएगा तो आप उसको जान नहीं पाएंगे क्योंकि वो गैलरी लिखा हुआ नहीं होगा, अजीब टाइप का कोई नाम लिखा हुआ होगा। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आता है, वो मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ, उसका नाम है, यहाँ पे देखिए पैकेज नेम, ये दिखाई दे रहा ना पैकेज नेम, ये प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लेंगे उस मोबाइल में जिस मोबाइल से क्या है आपको हटाना है। ठीक है, इसका काम क्या है,
पैकेज नेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, पैकेज नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आइकन के फॉर्म में उसका नाम दिखा रहा है, और जब हम कमांड यूज करेंगे तो वहां पे आइकन तो दिखाएगा नहीं, तो सिंपली यहाँ पे देख लीजिए गैलरी कहाँ पे है, ठीक है, गैलरी या स्क्रोल करते रहेंगे तो यहाँ नीचे में गैलरी आएगी, और गैलरी के आगे का हम देख लेंगे कि वो नाम क्या है जिस नाम का यूज करके हमको हटाना है। तो देखिए यहाँ पे जो है सिंपली यहाँ पे com.android.gallery3d ये वाला नाम वहां पे जब हम लिस्ट करेंगे कमांड करेंगे तो केवल ये नाम ही दिखाएगा। तो आप इस वाले ऐप का जिसका नाम है पैकेज नेम, ठीक है, पैकेज नेम व्यूअर ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप उस एप्लीकेशन का पैकेज का नाम यहां से देख लेंगे ताकि आपको आसानी हो। जैसे ये गैलरी है, इसका नाम क्या है, देखिए आइकन दिया हुआ, तो यहाँ से आसानी से हमको पता चल जाए com.android.gallery3d, ठीक है। अब बैक पे चले जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए ये मैं जो केबल है उसको कनेक्ट कर चुका हूँ यूएसबी केबल को इससे, ठीक है। अब ये जो ओटीजी केबल है मैं इसी मोबाइल में, जिस मोबाइल से शूट कर रहा हूँ इसी में कनेक्ट करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैलरी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसको जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ इसमें, तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉम्प्ट आता है ऊपर में, यहाँ पे जब इसको आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ से तो देखिए यूएसबी डीबगिंग कनेक्टेड दिखा रहा है। और बैक करके जाएंगे, जब बैक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक आएगा, जब इस वाले एप्लीकेशन को जब हम ओपन करेंगे, तो देखिए ये पूछ रहा है कि आपके मोबाइल पे एक प्रॉम्प्ट गया है, उसको आप ओके कीजिए। तो सिंपली हम देख लेते हैं कि मोबाइल में प्रॉम्प्ट कहाँ गया है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अलाउ यूएसबी डिबगिंग, ठीक है, और जो फोन है उसको अलाउ करने के लिए बोला, तो इसको आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, सिंपली टाइप हो गया, उसके बाद ये ओके कर देंगे आप, ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आप बैक जाएंगे तो देखेंगे इस वाले ऐप में यहाँ पे आपका सेल खुल गया है, ठीक है, सेल खुल गया है। अब हमको देखना है कि इसमें कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, टाइप करेंगे PM लिस्ट पैकेज, और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका सारा जो पैकेज का नाम है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखिए सारा पैकेज का नाम दिखाई दे रहा है। तो इस पैकेज में आपको ढूंढना है कि वो वाला गैलरी वाला कौन सा नाम था, तो देखिए गैलरी का नाम क्या है, वो गैलरी हम लोग देखे थे तो उसमें क्या लिखा हुआ था, 3D लिखा हुआ था ना, गैलरी 3D करके लिखा हुआ था, तो com.android था और गैलरी था। तो इसको सर्च करते हैं कहां पे है ये com.android.gallery, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है com.android.gallery3d, इस जगह पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यानी इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे इस चीज को। और ये कैसे पता चला कि ये उसी का है, क्योंकि हम वहां पे देख चुके थे। अब हमको क्या लिखना है यहाँ पे PM, ठीक है, उसके बाद लिखना है अनइंस्टॉल करने के बाद लिखना है डैश के, उसके बाद डबल डैश यूजर लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है जीरो, और जीरो लिखने के बाद स्पेस दबाना और इसको पेस्ट कर देना है जो यहां से कॉपी किए थे। उसके बाद इसको क्या करना है, रन कर देना है, सिंपली क्या करना है, इसको रन कर देना है। देखिए ये सक्सेसफुल यहाँ पे लिख दिया है, यानी वहां से गैलरी जो है वो हट चुका होगा। तो हम देखते हैं कि गैलरी हटा है कि नहीं है, तो हम चलते हैं उस वाले मोबाइल पे। देखिए दोस्तों यहाँ से जो है गैलरी वो हट चुका है, गैलरी जो है यहाँ से हट चुका है, ठीक है। अब वापिस आते हैं उस वाले ऐप पे, अगर हमको चाहिए कि नहीं वो गैलरी हमको फिर से वापस लाना है। दोस्तों यदि आपको कोई दिक्कत होती है इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम, तो आप केवल अपना फोन को रिस्टोर कर दीजिएगा, फैक्ट्री रिस्टोर, वो सिस्टम का जो एप्लीकेशन है वो वापस दोबारा आपके एंड्रॉइड के मोबाइल में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप इस तरह से जो भी अनइंस्टॉल करेंगे वो सारी की सारी चीजें जैसे ही आप मोबाइल को फॉर्मेट करेंगे वो वापस आ जाएगा। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो कैसी लगी, ये कमाल की ट्रिक है ना, आप जरूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, इसको ट्राई करने में कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, आपको सारी चीजें आपके आसपास अवेलेबल है इजीली। ओटीजी आपको 30-40 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा, और डाटा केबल आपके पास होगा ही, बगल में किसी फ्रेंड का, मम्मी का, पापा का, किसी का भी मोबाइल आप यूज करके इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से सेफ है, 100% सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आसानी से इसको यूज कीजिए और देखिए क्या होता है, आपका रैम जब खाली होता है तो और भी ज्यादा मोड स्टॉप्स आप मोबाइल का यूज करके कर सकते हैं।
तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।